Namaste everyone, welcome back to my channel. I'm Sahil and I'm back with another video. So this video is going to be a little different, and in this video I'm going to paint a t-shirt. And I want to say something here ki I don't want to stick to the cardboard alone. मैं कार्डबोर्ड के अलावा भी बहुत सी चीज़ें करता हूँ, बट यूट्यूब पे यूजुअली मैं कार्डबोर्ड की चीज़ें आपको दिखाता हूँ. बट मुझे हर तरह के मटेरियल से एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है. एज एन आर्टिस्ट मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ में हाथ आजमाना, उसका एक्सपीरियंस लेना, वो मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है. तो मैं वो चीज़ें ट्राई करता हूँ, तो मैं दिखा नहीं पाता हूँ. बट अब मैंने सोचा है कि वट एवर आई विल डू और वट एवर आई विल ट्राई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. सो आई होप आप सपोर्ट करोगे ये मेरा अप्रोच. और रही टी शर्ट पेंटिंग की बात, तो मैं इससे पहले भी एक टी शर्ट पेंट कर चुका हूँ, आपको शायद इमेज दिख रही होगी. और अब भी मैं एक नई टी शर्ट पेंट करने जा रहा हूँ, विच इज़ फॉर माई फ्रेंड. और मुझे काफ़ी दूर भेजना उस टी शर्ट को. तो वीडियो सिंपल सी होने वाली है और आई होप आपको ये सिंपल सी वीडियो पसंद आएगी. सो विदाउट एनी डिले रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं. तो मैंने यहाँ पे पहले थोड़ा सा लाइटली पेंसिल से थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लिया, बट मैं आपको थोड़ा ब्लैक मार्कर से करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरली दिखे, क्योंकि फ़िलहाल तो आपको दिख नहीं रहा होगा. और यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड का पीस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ़िलहाल बेस के लिए काम आएगा ड्रॉ करने के लिए, और बाद में इसको पेंट करने के लिए भी यूज़ करेंगे टी शर्ट के अंदर रख के, ताकि पेंट जब इसका फैब्रिक एब्जॉर्ब करेगा पेंट, तो वो दूसरी तरफ छप के टी शर्ट को ख़राब ना कर दे. तो तभी भी कार्डबोर्ड का पीस यूज़ होगा. फिलहाल इसको बेस के लिए यूज़ करने वाला हूँ मैं. सो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने इस टी शर्ट को पहले एक बार वॉश कर लिया है. सो अगर आप भी कोई न्यू टी शर्ट यूज़ कर रहे हो तो एक बार इसको वॉश ज़रूर कर लेना, ताकि अगर इस पर कोई फैक्ट्री फिनिशिंग के लिए जो केमिकल यूज़ किया हो वो रिमूव हो सके, ताकि बाद में पेंट उतर ना जाए. सो पेंट मैं यहाँ पे फैब्रिका के एक्रेलिक पेंट्स यूज़ कर रहा हूँ. ये फैब्रिक्स के लिए हैं, जैसा कि नेम है इसका फैब्रिका. और टी शर्ट को मैंने कार्डबोर्ड के आसपास अच्छे से रैप कर दिया, ताकि पेंट इधर उधर ना लगे. एंड यू हैव टू बी केयरफुल, इतने हाथ बरतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार पेंट कहीं लग गया तो वो रिमूव नहीं हो पाएगा अच्छे से, और भैया जयराम जी की हो जानी है. सो प्लीज़ बी केयरफुल. सो वन मोर थिंग यू हैव टू कंसिडर एंड बी केयरफुल अबाउट, कि कंसिस्टेंसी पेंट की बैलेंस होनी चाहिए. अगर पेंट बहुत थिक हुआ तो ब्रश अच्छे से चलेगा नहीं, एंड अगर ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया तो पेंट फैब्रिक में स्प्रेड हो जाएगा, जो कि शेप से बाहर चला जाएगा, तो पेंटिंग स्पॉइल हो जाएगी. सो बी केयरफुल अबाउट इट एज वेल.
सो फाइनली टी शर्ट पेंट हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। और इसके अलावा मैं कुछ एक दो टिप्स देना चाहता हूँ कि इसको पेंट करने के बाद कम से कम 1 से 2 दिन अच्छे तरह से ड्राई होने देना, क्योंकि एक्रेलिक पेंट वैसे तो इंस्टेंटली सूख जाता है बट अच्छे से सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। तो लेट इट ड्राई फॉर 1 or 2 days ताकि धोने के बाद इसका कलर जाए नहीं। और दैट्स इट फॉर द वीडियो, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना आप रखें बहुत अच्छे से ख्याल, और अगर वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी है, अच्छी नहीं लगी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ। एंड एज सम ऑफ यू नो दैट आई राइट पोइट्री, तो मैं वहाँ पर पोइम्स भी कभी कभी अपलोड करता रहता हूँ, और भी उलझुल सी बातें वहाँ पर चलती रहती हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग, बिलीव इन दैट एंड बिलीव इन योर यूनिकनेस। और अपने आसपास जितना हो सके सफाई का ध्यान रखें, यही हमारी धरती माँ के चरणों में ये सेवा होगी कि हम उसको जितना साफ रखें उतना अच्छा होगा। और इसी के साथ आप सबको बहुत 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 सारा प्यार, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।